आपका 80% हो गया 80। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10 है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा सीओजीएस पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90 आ जाएगा। ये मतलब ऑपरेटिंग रेशियो निकाल दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट 90, रेवेन्यू ऑपरेशन 1 लाख, इंटू 100 90%। कहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट 80,000 प्लस 10,000 90,000, 80,000 प्लस 10,000 90,000 है, 80 प्लस 10 90 हो गया ना, तो 90% लास्ट क्वेश्चन भाई। इसके अलावा ना वो जो होते हैं ना, एक आपको याद होगा, एक करंट रेशियो, एक क्विक रेशियो, एक डेप्ट रेशियो में की रेशियो दे रखी होती है, ट्रांजेक्शन दे रखे होते हैं, पूछता है इंप्रूव होगा डिक्रीज होगा, वो वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना। मैं अभी बता देता हूँ स्पायरल में से, वो 3 क्वेश्चन है, मैंने पिछली बार कराए थे ये वाले करने के बाद वो 3 क्वेश्चन और कर लेना, कराए हुए हैं। अगर नहीं, अगर कहो तो करा देता हूँ अभी, करा दूँ अभी, करा देता हूँ, देख लेना अभी, रुक जाओ। यहाँ हो गया, ये नोट हो गया भाई, ये देखो जी इरेजिंग, ये देखो जो एक क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट, कल मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था, कैलकुलेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो एंड एसेट टर्नओवर रेशियो एंड एसेट टर्नओवर रेशियो सीओजीएस 8 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, 20% सेल्स, डेप्ट पांच लाख, इक्विटी 3 लाख, करंट एसेट्स 2 लाख, देखो जो हमें ना फिक्स टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला बताया था हमने, क्या होता है फिक्स टर्न ओवर रेशियो फॉर्मूला, क्या होता है भाई फिक्स टर्न ओवर रेशियो फॉर्मूला याद है? सर रेवेन्यू ऑपरेशन अपॉन फिक्स एसेट्स, टर्न ओवर ऊपर सेल्स आती है हमेशा, रेवेन्यू ऑपरेशन अपॉन फिक्स एसेट्स, ठीक है। अब पहले रेवेन्यू ऑपरेशन निकालना पड़ेगा, सीओजीएस कितना है 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20% सेल्स, 1/5 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो ये आ जाएगा रेवेन्यू ऑपरेशन आ जाएगा 10 लाख, 10 लाख आ गया जो रेवेन्यू ऑपरेशंस। अब जो फिक्स एसेट निकालना है कैसे निकालें, एक चीज, एक डेटा और देना पड़ेगा इसके अंदर, करंट लायबिलिटी और लिख लो, यहाँ पे करंट लायबिलिटी लिख लो 1 लाख रुपए की, इस क्वेश्चन में एक और चीज लिख लो करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब देखो जी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो पहले, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, डेप्ट प्लस इक्विटी, डेप्ट दे रखी है 5 लाख, इक्विटी शेयर होल्डर फंड 3 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 8 लाख आ गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज डेप्ट प्लस इक्विटी। अब वो दूसरा फॉर्मूला लगाओ कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, वो तो डेप्ट प्लस इक्विटी, इक्विटी होना शेयर होल्डर फंड डेप्ट, दूसरा होता है फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी,
कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी 8 लाख की, कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी 8 लाख की, हमें फिक्स एसेट निकालने हैं, करंट एसेट्स गिवन है 2 लाख के, करंट लायबिलिटी गिवन है 1 लाख की, फिक्स एसेट आ जाएंगे 7 लाख के, रेवेन्यू ऑपरेशन कितना है 10 लाख अपॉन फिक्स एसेट्स 7 लाख, बस टाइम्स में होती है ये 10/7 कर दो, वन पॉइंट फोर थ्री इज टू वन। एंड लास्ट पूछो एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या होता है रेवेन्यू ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेवेन्यू ऑपरेशन कितना है बच्चों, रेवेन्यू ऑपरेशन है 10 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने किया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल गया 8 लाख, 1.25:1, जो इसके अलावा ना 3 क्वेश्चन और कर लेना, मैंने कराया हुआ है पिछली बार, पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 26 और 38, इसमें ना आपको इंप्रूव, डिक्रीज और नो चेंज निकालने हैं, ठीक है। थैंक यू। और कौन सा चैप्टर करना है भाई तेरे को, करना है कोई बता दियो, शाम को, शाम को।